हैं देश के प्रधानमंत्री, दूसरे हैं देश की संसद सदस्यता गंवा चुके नेता। एक को दुनिया में हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के नाते प्रेम और सम्मान मिलता है, दूसरे को उनके प्रायोजित कार्यक्रम में भी भारत विरोधी नारेबाजी का सामना करना पड़ता है। हमारे देश की सियासत की विडंबना यह है कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि को विदेशी जमीन पर मिलने वाले सम्मान, प्यार और प्रतिष्ठा की तुलना विपक्षी दल के एक ऐसे नेता के विदेशी दौरों से की जा रही है जिन्होंने अनियंत्रित विचार, वाणी और व्यवहार से वायनाड के 7 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व का अधिकार भी गंवा दिया। एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जिसमें बात बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विदेश में राहुल के अभी 4 दिन गुजरे नहीं, 8 विवाद हो चुके हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजता है, कोई खड़ा नहीं होता तो राष्ट्र का अपमान होता है। राहुल गांधी पीएम मोदी को मीडियोकर, सर्वज्ञानी बताकर तंज कसते हैं तो देश के प्रधानमंत्री का अपमान होता है। राहुल गांधी पीएम मोदी के संसद में साष्टांग प्रणाम का मजाक उड़ाते हैं तो हिंदू धर्म का अपमान होता है। राहुल अपनी सांसदी छीने जाने पर हैरानी जताते हैं तो भारत की न्यायपालिका का अपमान होता है। वो अल्पसंख्यकों में डर की अफवाह फैलाते हैं तो भारतीय लोकतंत्र का अपमान होता है। देश पर एक भाषा थोपने की अफवाह फैलाते हैं तो देश की एकता का अपमान होता है। यहाँ तक कि अपनी भारत यात्रा को सिख गुरु की उदासियों से तुलना कर देते हैं तो सिख गुरु की बेअदबी होती है। बड़ी मैनू आप नू एक शर्म आ रही है, मैं शर्मिंदा इस गल ते कि गुरु नानक देव जी महाराज दी गल नू मैं राहुल दे नाल जोड़ा, पर क्योंकि जदों कोई इस तरह के मंदबुद्धि लोग जिहड़े आ इस तरह की गल करते हैं तो संगत दे विच जाना साडे लई जरूरी बन जांदा है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना गुरु नानक देव जी की उदासियों से की थी। ऊपर से ये भी कह दिया था कि गुरु नानक देव जी थाईलैंड भी गए थे। ऐसे तथ्यहीन बयानों की संवेदनशीलता और प्रभाव का अंदाजा लगाए बिना ही राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति का झंडा उठाए देश के मौजूदा हालात पर और भी कई टिप्पणियां की हैं। यू कैनॉट सिंपली इग्नोर द मैन्युफैक्चरिंग माइंड ऑफ चाइना। यू हैव टू कंपीट विद देम। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स एन ऑप्शन। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है। दरअसल पिछले 2 दिनों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला करते करते देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेकर न्यायपालिका तक, संसद से लेकर सरकार तक तमाम सवाल उठा दिए हैं। अब तो उन्होंने भाषा पर भेदभाव वाला सवाल भी उठा दिया है। आई डोंट थिंक वन स्टेट शुड इम्पोज इटसेल्फ ऑन अनदर स्टेट। आई डोंट थिंक वन लैंग्वेज शुड बी इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। विदेश में जाकर राष्ट्र को अपमानित करने का कोई कदम मौका नहीं छोड़ते। हालांकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के हर एक लफ्ज के साथ मजबूती से खड़ी है। यहां तक कि अब तो कांग्रेस के सहयोगी दल भी विदेशों में राहुल की बैटिंग के मुरीद हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े, मुझे, मैं उनका भाषण सुन रहा था, फॉर्म में है, जैसे एक जमाने में सचिन तेंदुलकर था फॉर्म, या विराट कोहली था, जोरदार बैटिंग उनकी चल रही है और उनके भाषण सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भाड़े के तट्टू नहीं है। वैसे अभी 4 ही दिन गुजरे हैं, राहुल गांधी 6 दिन और विदेश में गुजारने वाले हैं। इस दौरान राहुल और क्या क्या कहते हैं उस पर देश में सियासी बहस की काफी गुंजाइश अभी बाकी नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले आपसे ही प्रेम शुक्ला जी शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी की ओर से जो बातें कही गई हैं सारी बातों को सिरे से कैसे खारिज किया जा सकता है? मानहानि के मामले में जो मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई है और जिस पर वो बोल रहे हैं कि शायद मैं इकलौता हिंदुस्तान का ऐसा व्यक्ति हूंगा जिसको इस तरह की सजा का सामना करना पड़ा है और ये सोच से भी परे है, क्या है उनके आरोपों पर जवाब आपका? देखिए, अभी आज तक ने ही उनकी 8 गलतियां गिनाई और 8 गलतियां ये आज तक की दृष्टि में है। इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं कि 8 गलतियां उनकी हैं। अब वो स्वयं की तुलना गुरु नानक की यात्रा से करके अगर सिख समुदाय के समक्ष बेअदबी करते हैं तो इस बेअदबी पर अगर कोई सिख समुदाय के गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के महासचिव टिप्पणी करते तो भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी तो है नहीं। अगर उनको गुरु नानक का भी सम्मान करना, गुरुओं के सम्मान करने का भी उनके पास तलीका नहीं है तो ये दोष भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है।
जहां तक बात रही वो जो कह रहे हैं कि उनको पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मानहानि के मामले में जिनको दंडित किया है अदालत ने, तो अपराध का दंड किसी न किसी को तो पहली बार मिला ही होगा और उनको अदालत ने अवसर भी दिया कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन उनका जो अहंकार है वो अहंकार आड़े आ गया। पूरे मोदी समुदाय को, पूरे जो है एक पिछड़ी जाति को चोर कहना, गाली देना, इसको आप कहां से जो है सम्यक सिद्ध कर देंगे? कोई कैसे सम्यक सिद्ध कर देगा? और आज तो गालीबाजों का गठबंधन दिखाई दे रहा है। इस तरह के उदाहरण नहीं देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी हैं और उनका समर्थन करने के लिए राहुल गांधी हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके सामने संजय राउत है। नहीं ठीक है, उसका उसका उत्तर भी अभी मैं उत्तर पूरा कर लूं। गालीबाजों का गठबंधन तो देखिए, एक तरफ श्रीमान राहुल गांधी हैं जो मोदी समाज को चोर कहते हैं, दूसरी तरफ श्रीमान संजय राउत हैं जो पूरे महाराष्ट्र के विधानमंडल को चोर मंडल कह देते हैं। उनके समक्ष जो है विधानमंडल की विशेषाधिकार समिति ने राज्यपाल के राज्यसभा के चेयरमैन को जो है ऑलरेडी उनकी शिकायत की हुई है। ठीक है, आप पूरी जाति को चोर कह दें और उसके बाद माफी न मांगे, उसके बाद आपको जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा न मिले, और आप ही ने उस बिल को फाड़कर फेंका था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। ठीक है, जो पुरानी बात हो गई लेकिन अभी पर रहते हैं, अभी पर रहते हैं। ठीक है, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं एक एक करके मैं आपसे जवाब लूंगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। अतुल जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अतुल लोंढे पाटिल जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं। ये मोहब्बत की बाजार कहते कहते नफरत की दुकान सजा ली गई है क्या बाहर? जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, मतलब मोदी पर निशाना साधते साधते देश का अपमान क्यों किया जा रहा है? हिंदुस्तान में क्या बोलने की आजादी नहीं है? अगर भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक होती है तो आप बताइए राहुल गांधी को बोलने से कहां पर रोका गया? और ये फैसला तो अदालती है। अगर राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा मिली, उनकी सदस्यता गई, तो ये तो अदालती फैसला है। इसके लिए बीजेपी मोदी सरकार कैसे दोषी हो गई? पाटिल साहब, देखिए चित्रा जी, सच कड़वा होता है और कड़वा जो है उसे चुभता है, तो ऐसी भाषा जो निकलती है वो आज देख रहे हैं, कई साल से देख रहे हैं। तो सारा मोदी समुदाय यहाँ बैठ के, प्रेम शुक्ला जी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि मोदी समुदाय जो है वो एक विशेष जाति का नाम है, तो पहले तो उनको मैं करेक्ट कर दूं कि हर जाति में मोदी जी का नाम है, मोदी जो है सरनेम है वो है। हमारे नागपुर में मोदी नंबर एक, मोदी नंबर दो, मोदी नंबर तीन, थ्रेड का बिजनेस करने वालों के जो है वो गलिया है, वो मारवाड़ी लोग है, तो अलग अलग इसमें है। तो ये पहला इनका जो है टेक्निकली रॉन्ग है। दूसरा, वो कोर्ट में लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन देखिए कैसा है अटैक, कैसा है लवासा जी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने हेट स्पीच के बारे में किया था, उनका ओपिनियन, उनका डिसेंट लिखा भी नहीं गया, उन्हें जाना पड़ा यहाँ से, वे न्यूजीलैंड गए, उनके पत्नी के ऊपर बाद में इनकम टैक्स की रेड हो गई है। तो ये एक उदाहरण जो है वो एकदम जीवंत उदाहरण है जो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। तो अपनी बात कहना, और वो भी इंडियन डायस्पोरा के सामने, ये जाकर अगर कहेंगे सातों देश में, चाहे वो चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, कि 2014 से पहले, जबकि प्रेम शुक्ला जी का भी जन्म 2014 के पहले का है, मेरा भी जन्म 2014 के पहले का है, चित्रा जी आपका भी है, मुझे तो कभी नहीं लगा, या मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ मुझे शर्म आती थी। हाँ, शर्म जरूर आनी चाहिए कि 12.5 लाख लोग जो असेट क्रिएट करते हैं, जो जॉब देते हैं, वो पिछले 5 साल में इस देश को छोड़कर, इस देश की नागरिकता छोड़कर गए हैं, ये बात नहीं कहेंगे। क्या मोदी जी ने जब इतिहास झूठा बताने की कोशिश की थी, गुरु नानक जी, गोरखनाथ जी, कबीर जी एक साथ बैठकर चर्चा करते थे, जबकि गोरखनाथ जी तो 1290 ईसा के 13वीं शताब्दी के ही थे, ये दोनों पर 15वीं शताब्दी के थे, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था गणेश भगवान के ऊपर जो हुआ है वो सर्जरी, प्लास्टिक, पहली प्लास्टिक सर्जरी? इन तमाम मुद्दों पर समय समय पर चर्चा करा चुके हैं। अभी राहुल गांधी पर रहते हैं ना सर, अभी राहुल गांधी पर रहते हैं। अगर राहुल गांधी विदेश दौरों पर जाकर ये बोलेंगे कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा हो गया है, बोलने की आजादी नहीं है, हमें कहीं उतरने के, अगर हम कश्मीर जाते हैं तो हमें कहा जाता है आपकी जान को खतरा है, क्या ये तमाम बातें, अगर लोगों को डराया जा रहा है खासतौर से माइनॉरिटी को लेकर, उनकी ओर से बार बार इस तरह की बातें कही जा रही हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक बार फिर से मैं बोलूंगी, राहुल गांधी जो जो बोलते थे उनकी जुबान को बंद करने की क्या कोशिश की गई? इतने सारे पत्रकार उनके साथ चल रहे थे, आपके कांग्रेस के इतने बड़े नेता, तमाम बॉलीवुड से भी लोगों का साथ मिला, कई लोग आए थे, उनको कहां पर बोलने से रोका गया? हाँ, इसी मुद्दे पर रहते हैं ना, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो गया है सर, देश की सर्वोच्च अदालत को कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि देश के अदालत को सबसे पहले दबाया जा रहा है, ये बात किसी पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं कही थी, देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर कहा
जिस तरह का दबाव हम पर है, हम जनता की कोर्ट में जा रहे हैं। उसके बाद में एक जज ने क्या किया, खुद ही के मोलेस्टेशन के केस में खुद ही जज बन गए और फिर बाद में उन्होंने जो जो निर्णय दिए हैं उसके बाद वो जाकर राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। ये उदाहरण मेरे ख्याल से काफी नहीं होगा, तो मैं लवासा का भी उदाहरण इसके पहले दे चुका हूं। जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनकी इंक्वायरियां खत्म होती है। ऐसे कई हेमंत बिसाव सरवा से लेकर मुकुल वर्मा, कितने सारे नाम जो है नारायण राणे से लेकर कितने सारे नाम जो है हमने आज तक लिए हैं, सारे देश को मालूम है। तो संस्थाओं की जहां तक बात है तो संस्थाओं का इस्तेमाल होता है, ये कोई नकार नहीं सकता। राहुल गांधी जी का माइक बंद होता है, अभी यही अभी जो संसद हुई थी उसमें 5 मिनट तक सारे हाउस का कामकाज जो है वो म्यूट कर दिया गया था। ये सारे भारत देश ने देखा है किस तरह से मार्शल से महिलाओं को उठाकर ले गया, किस तरह से डिवीजन नहीं दिया जाता है। जब एक भी व्यक्ति राज्यसभा में डिवीजन मांगता है किसी मुद्दे पर तो डिवीजन देना पड़ता है, नहीं डिवीजन दिया जाता है। किस तरह से राहुल गांधी जी जब बात करते थे तो कई बार माइक ऑफ हुआ है, जिसकी बात की उसके बाद ही अदानी की बात जो है वो हो पाई है। तो ये सारे मुद्दे जो है इसमें एक भी छूट नहीं है। एक और आंकड़ा जल्दी से मैं दर्शकों को दे दूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। अमेरिकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टेनली ने बदलते भारत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। अपनी रिपोर्ट में उसने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत बदला है। यह अमेरिका की एक रिपोर्ट है, यह हिंदुस्तान की ओर से नहीं कहा जा रहा है। तमाम विपक्षी दल के लोग सुने, इस बदलने से मतलब है कि अब एशिया और दुनिया भर में भारत की पूछ बढ़ने लगी है। आने वाले वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का रोल महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मॉर्गन स्टेनली ने यह भी कहा है कि एक दशक से कम समय में भारत में आए इस बदलाव ने अब भारत को 2013 से एकदम अलग बना दिया है। इस दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में भारत ने मजबूत पोजीशन बनाई है। यह हम दिखा रहे हैं ग्रोथ रेट में भारत कैसे नंबर वन पहुंचा है। जीडीपी के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं मृत्युंजय तिवारी जी, उस पर भी जरा टिप्पणी ले ली जाए आप लोगों की। ये तो अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में भारत में बदलाव देखने को मिला है। ये तो हिंदुस्तान से कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, ना ही हिंदुस्तान की किसी संस्था ने रिपोर्ट तैयार की है। तो हर बार इस तरह का रोना क्यों मृत्युंजय तिवारी जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए चित्रा जी, आज ये चर्चा हो रही है, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर कोई सवाल खड़े होते हैं तो इस पर तो बहुत चर्चा होती है, हाई तवा मचाया जाता है भाजपा के द्वारा। अभी हमारे प्रेम भाई बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे और ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से बीजेपी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विपक्ष के प्रति रवैया रहा है, आचरण रहा है, ये तो कभी आजादी के बाद ऐसा देखने के लिए नहीं मिला था। आप याद कीजिए, श्रद्धेय अटल जी बार बार वो कहा करते थे कि वो विपक्ष के नेता थे, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के नेता के रूप में अटल जी को भेजा था, वो भी हमारे लोकतंत्र का देश की खूबसूरती थी। और आज क्या हो रहा है, आज आप देखिए ये तो विपक्ष मुक्त संसद बनाने का प्रयास हो रहा है। 21 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया था, इसके बाद एक बार भी उनकी मांग को सुनी नहीं गई। तो राहुल गांधी जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पर जाकर जो देश में आजादी के बाद 60 वर्षों तक जिनका शासन रहा, देश ने जो भी ऊंचाई हासिल की उसमें कांग्रेस पार्टी पिछले शासन काल को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन किस तरह से किया जा रहा है, लग रहा है जैसे 2014 में ही सरदे अटल जी के शासन काल को भी खारिज कर दिया जाता है कि 2014 से ही हिंदुस्तान में जो हुआ है वो हो रहा है। आपको उदाहरण देने के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही उदाहरण लेकर सामने आना पड़ रहा है, मतलब उसमें भी एनडीए का ही एक बड़ा चेहरा, बीजेपी का बड़ा चेहरा मिला है उदाहरण देने के लिए। तो फिर तो वो श्रेय लेंगे ही कि बीजेपी की सरकार जब आती है तो चीजें किस तरह से बदल जाती हैं। चित्रा जी, हमने आईना दिखाया, चूंकि बीजेपी के ही शासन प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो हमने कहा कि एक उनका भी आचरण था। और आज जो आचरण हो रहा है, ये जो न्यू बीजेपी है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोल रहे, सुनते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इन्हीं 9 वर्षों में भारत में जो मुस्लिम समाज है वो डरा हुआ, असुरक्षित महसूस करा। दो सवाल इसे जुड़े, क्या सरकार भी आप कबूल करेंगे कि मुस्लिम समाज एक सेक्शन जो है वो खुद को डरा हुआ महसूस करता है, दूसरा बीजेपी एनडीएसए पार्टी है, इस नैरेटिव को चेंज करने में आप लोग कामयाब नहीं रहे, क्या इस फैक्ट को भी आप मानेंगे? देखिए 1984 में
इंदिरा जी की हत्या के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, एक सिंपथी वेव थी, तब जाके राजीव गांधी जी की कांग्रेस की सरकार बनी। और 1984 के बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार कभी बनी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, एक बार नहीं दो बार बनी, पहले से ज्यादा सीटों के साथ बनी, और समाज के सभी वर्गों ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना है, देश ने अपना नेता माना है। कांग्रेस को तो इतनी सीटें नहीं मिली कि विपक्ष में अपना नेता तक चुन पाए, राहुल गांधी जी को तो दो साल तक सदस्यता तक चली गई। अब वो सदन ना चलने देने के बहाने बनाते थे क्योंकि अपनी सदस्यता चली गई थी, अपनी सदस्यता नहीं है तो अब नए संसद भवन का बहिष्कार करने के बहाने बनाते हैं। ये केवल अपने परिवार तक सीमित है, अपने तक सीमित है, इनसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग कहीं पे नजर नहीं आते। इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट है, और इसीलिए राष्ट्र का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं जाते और अपने परिवार का गुणगान करने में आगे आते हैं। जहां तक ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा आपको पूरा बताना चाहिए। उन्होंने कहा 1980 के दशक में देश में और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उस समय अनुसूचित जाति के लोगों पर, दलितों पर बड़े अत्याचार हो रहे थे। तो मैं देश को याद करवा दूं, उस समय श्रीमान राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। सही कहा राहुल गांधी जी ने, दलितों के ऊपर अत्याचार कांग्रेस ने किया, सिखों का नरसंहार कांग्रेस ने किया, कत्लेआम हुआ और सिखों को न्याय भी नहीं दे पाए। अब ये गुरु नानक देव जी की क्या बात करते हैं, 84 के दंगे देश नहीं भूल पाया है। राहुल गांधी जी आपकी सरकार कई साल उसके बाद रही, बार बार रही, आपकी किसी सरकार ने न्याय नहीं दिलाया। मोदी जी की सरकार ने आके SIT का गठन किया और सिखों को न्याय दिलाया। करतारपुर कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाया है, हेमकुंड साहब तक रोपे मोदी जी ने पहुंचाया है। 550वां और 400वां प्रकाशोत्सव पहले गुरु नानक देव जी का, फिर गुरु तेग बहादुर जी का मोदी जी ने किया। साहेबजादों की शहादत पर वीरबाल दिवस 26 दिसंबर मोदी जी की सरकार में पूरे देश में भाजपा ने मनाना शुरू किया। अफगानिस्तान में फंसे सिख परिवारों को मोदी जी की सरकार लाई, गुरु ग्रंथ साहब को मोदी जी की सरकार बचाकर लाई। राहुल गांधी किसी पटल पर आए एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए विदेश में जाकर अनाप शनाप व्यक्ति हैं, जहां पर लोगों को पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। अतुल पाटिल जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी। अनाप शनाप बकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं अनुराग ठाकुर। परिवार से आते हैं, नहीं तो गांव के पंचायत का सदस्य भी नहीं बन पाता। इनके पिताजी के नाम के बदौलत ही आए हैं और ये दूसरों के परिवारवाद का आरोप लगाते। ये वही अनुराग ठाकुर है गोली मारो सालों को कहने वाले, सांसद मंत्री है, शर्म नहीं आती इन्हें, और यहाँ आकर बात कर रहे हैं। इसी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच पर कड़ी टिप्पणी, कड़ी आपत्ति जताई और बीजेपी के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नपुंसक, इंपोर्टेंट गवर्नमेंट जो है वो कहा, क्योंकि इनका ही है विधायक यहाँ आता है, हेड स्पीच करता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का गुनाह जो है वो महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार दाखिल नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है और सुप्रीम कोर्ट इतनी गहरी टिप्पणी जो है वो टिप्पणी पारित करती है। क्या हुआ अमृतपाल सिंह, किसके जमाने में हुआ है? हमारे जमाने में हुआ तो उसकी माफी मांगी गई, उसके बाद इस देश में पंजाब में कई बार कांग्रेस की सरकार बनी, चीजें सही करने की कोशिश की गई। 80 के दशक में जो होता था वो इनकी ही करनी है, क्योंकि ये मनुवादी लोग जो है वो आदिवासियों और दलितों को अपने बराबर का इंसान नहीं मानते, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इनके खिलाफ कहना पड़ा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म को जरूर लिया है लेकिन हिंदू करके मरूंगा नहीं। 56 में उन्होंने अलग जो है बौद्ध धर्म जो है वहां स्वीकारा हमारे नागपुर में। ठीक है सर, आपकी बात समझ गया। जो चीजें हुई उसके अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जांपल दिया जा रहा था, कितने बड़े अच्छे नेता रहे और उनके नेतृत्व में ऐसा ऐसा हुआ और वही अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी की सरकार मनुवादी हो गई। लेकिन विशाल मिश्रा जी, अगर राहुल गांधी जाकर विदेशों में अपनी बात रखते हैं तो इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? उनको भी कहने का हक है, उनके भी लब आजाद हैं, वो जाकर बोलेंगे तो उसको लेकर देश के भीतर इतनी ज्यादा उहापोह और इतना ज्यादा आक्रमण क्यों? देखिए चित्रा जी, आप लब आजाद हैं, बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप देश के बाहर जाकर आप देश के अंदर की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं,
अभी कर्नाटक चुनाव आया, रिजल्ट आया, हम सभी ने देखा, नहीं हम सभी ने देखा, बात हो जाए फिर मैं आ रही हूं, हम सभी ने देखा, जब आप जीतते हैं तो सब कुछ सही होता है। अभी यही अगर भारतीय जनता पार्टी जीती होती तो ईवीएम का रोना शुरू हो जाता। सवाल ये उठता है, कहा जाता है लोकतांत्रिक संस्थाएं, इसके पहले स्टेटमेंट था खतरे में है, जब यूके में थे उसके पहले के भी कई जगह के डिबेट्स हैं, वो स्पीचेज हैं। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप मुझे अभी आप कह रही थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मीडिया ने कैसे कवर किया, मुझे याद है कि आप ही के चैनल पर हम डिबेट पर थे और जब लाल किले पर माननीय राहुल गांधी जी का वो स्पीच शुरू हुआ था और तब आपने और तब शायद डिबेट रुक भी गई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय कि आपको तब बोलने की आजादी नहीं थी, तब आप किस आजादी से बोल रहे थे? न्यायपालिका पर सवाल करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है, तब सरकार का कब्जा नहीं था जब 300 से अधिक बार इमरजेंसी लगाई गई थी, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राज्यों में, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था? जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था? 1951 में आजादी रद्द करवा देने आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो देखिए पहला ऐसा मामला होगा हिंदुस्तान में कि किसी सांसद की मानहानि के केस में सदस्यता चली जाए। तो आप मुझे बताइए कि अभी आज स्टेटमेंट आया, मैंने जो है कहीं पर सुना है कि वो कहा गया वो जो नई संसद बनी है उसको मॉन्यूमेंट ऑफ कुछ क्या नाम दिया गया है, इस तरीके से मतलब स्टेटमेंट दिया गया। ये सामंती सोच नहीं है। आपके खिलाफ अगर केस हुआ था तो आपको पैरवी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? नहीं, अब आज आप सरकार दोष को देते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी व्यक्तिगत जो है मनभेद हो सकता है मानवर, लेकिन बार बार इस तरीके से भारत जो लोकतंत्र की जननी है, जिसने लोकतंत्र को दिया, दुनिया को दिखाया, आप उस लोकतंत्र के ऊपर सवाल करते हैं बार बार। जरा आनंद दुबे को भी लेकर आते हैं मैं। 10 सेकंड और, अभी यहाँ पर एक और प्रवक्ता नहीं, नई संसद के ऊपर बोल रहे थे मानवर, आप मुझे ये बताइए, आप नई संसद पर बोल रहे थे, अरे आपको तो उस दिन देश के साथ एक अपने आप को दिखाना चाहिए था, आपने क्यों बहिष्कार किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आने वाले कल में आप संसद बनेंगे तो आप संसद में नहीं बैठेंगे? बताइए हमें, आप आपके घर परिवार मित्र पार्टी के लोग जीतकर आएंगे तो संसद में नहीं बैठेंगे? ये कौन सी बुद्धिमानी है? अगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी गीता के उस श्लोक को चरितार्थ करते हैं कि योगा कर्म सु कौशलम, क्या दिक्कत है हमें आपको? अगर नई संसद बनी तो 11 करोड़ लोगों के घर भी बने, अगर नई संसद बनी तो 30,000 पंचायत भी बने, अगर नई संसद बनी तो 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना भी दी गई, इस बात का आपको होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप केवल विरोध। मैं पूछता हूँ आपके नेता ने संसद की सदस्यता जाने से पहले लोकसभा में कितने दिन बहस में चर्चा लिया था, मुझे आप बताइए कितने घंटे लोकसभा में सदस्यता जाने से पहले उन्होंने संसद की चर्चा में बहस लिया था? आम आदमी का टैक्स पेयर का पैसा, आप विपक्ष में हैं तो आपकी भूमिका होती है रचनात्मक, लेकिन आप तख्ती लेकर हर बात पर बॉयकॉट, हर बात पर बॉयकॉट, आप वाली बात तब बॉयकॉट नहीं, लेकिन जैसे ही रचनात्मक बात होने लगे बॉयकॉट, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। ठीक है अतुल जी, जल्दी से अपनी बात का खत्म कीजिए। आनंद दुबे जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। अतुल जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो गिना रहे हैं कि 9 सालों में मैं मुझे मुझे विशाल जी के विशाल हृदय से आज एक अपील करना है, कुछ सवाल पूछने हैं मोदी जी, क्योंकि इन्होंने कहा है भारत लोकतंत्र की जननी है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रेय देते हैं, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जब चुन के आते हैं और विदेश में जाकर धरती पर कहते हैं कि इस देश में जन्म लेना बुरा लगता था, अरे यार ले लिया, ये टिप्पणी करते हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री। जब सोनिया जी को दो बार मैंडेट मिला, पहली बार मैंडेट मिला, अभी सुषमा जी नहीं है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती है तो हमारे बाल मुंडवा लेंगे, फिर भी बेल्लारी से लोगों ने चुनकर दिया था। ये तरह के स्टेटमेंट फिर क्या तब लोगों का अपमान नहीं हुआ था? लोगों ने चुनकर दिया था, उनके नेतृत्व में दो बार चुनाव हुए थे, तब नहीं हुआ था? कॉलेजियम के बारे में किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे, उन्होंने कितनी बार टसल लिया है देशद्रोही तो कहा इस देश के जजेस को, ये बातें विशाल जी ने बतानी चाहिए देश के सामने, बतानी चाहिए विशाल जी ने जरूर कि इस देश का प्रधानमंत्री जब बाहर इस तरह से देश की बदनामी करता है तो क्या होता है, और इंडियन डायस्पोरा के सामने वो बोले तो देश की बहुत इज्जत बढ़ती है, देश का बहुत सम्मान बढ़ता है। तो कभी टिप्पणी नहीं हुई वहां से आने के बाद? पांच राज्यों के विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में बैन कर दिया, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? किरण रिजिजू की चर्चा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? अरे चर्चा होने से किसने मना किया ना? बिल्कुल, इसी वजह से तो समान स्पेस सभी को मिलता है अतुल जी, वही तो बात है।
आपने कह दिया नेहरू जी ने लोकतंत्र की जननी का श्रेय आपने उनको दे दिया। तो सर वैशाली जो मृत्युंजय तिवारी जी बिहार के बिहार से बैठे हुए हैं, जरा वैशाली के गणतंत्र को भी थोड़ा सा इसका श्रेय दे दीजिएगा आप लोग। ये लोकतंत्र की जननी हिंदुस्तान आज नहीं बना है, और थोड़ा सा इतिहास और पढ़ेंगे तो हम ज्यादा समृद्ध हो पाएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए ठीक है सर, ऋग्वेद से बात कर लेंगे सभा, तो बिल्कुल सर आपको बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान कितना समृद्ध रहा है वो आज का बना हुआ नहीं है। आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, दुबे साहब ये बात तो सच है, बार बार राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है, आप लोग भी उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, संजय राउत ने तो बहुत बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ भी कर दी है आप आज। लेकिन हमने देखा था कन्याकुमारी से यात्रा चलती है, राजधानी दिल्ली में आती है, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इलाकों से वो यात्रा गुजरती हुई लाल किले तक पहुंचती है। मैंने खुद कवर किया है उस यात्रा को, लाल किले पर जाकर राहुल गांधी जो स्पीच देते हैं सारे चैनल दिखाए जाते हैं, हमने खुद दिखाया, उस पर डिबेट किया। राहुल गांधी जब श्रीनगर जाते हैं कश्मीर, लाल चौक पर तिरंगा फहराने, मैं लाल चौक पर भी मौजूद थी उस दिन जिस दिन उनकी ओर से तिरंगा फहराया गया था, उनको कहां बोलने से रोका गया, उनकी आवाज कहां दबाई गई, देश का लोकतंत्र कहां खतरे में है कि सबको बंद कर दिया गया और सबको बाहर बोलने की आजादी नहीं है। सर अगर विदेशी धरती पर जाकर इस तरह की बातें हम करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर विदेशों में क्या सोच पैदा होगी? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्कार। देखिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही अजब और गजब का स्टाइल है, एक तरफ कहते हैं कि हम राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेते, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वो दूर दूर तक मोदी जी के टक्कर में नहीं है, और शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा इस पिछले 9-10 सालों में जब राहुल गांधी जी पर उन्होंने बात नहीं की होगी। राहुल गांधी जी देश में बोले तो बीजेपी को आपत्ति, विदेश में बोले तब बीजेपी को आपत्ति, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालें तो बीजेपी को आपत्ति, न यात्रा निकालें तो बीजेपी को आपत्ति। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी पहले आप ये तय करिए कि राहुल गांधी जी आपकी निगाह में बड़े नेता हैं कि छोटे नेता हैं, पहले स्पष्ट कीजिए। यदि बड़े नेता हैं कोई बात नहीं, छोटे नेता हैं बीजेपी तो के सर्टिफिकेट का क्यों इंतजार है आप लोगों को? नहीं, विपक्ष क्या मानता है राहुल गांधी को, क्यों बीजेपी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं आप लोग? बीजेपी थोड़ी ना तय करेगी राहुल गांधी बड़े नेता हैं छोटे नेता हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अनुराग ठाकुर जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। आप बताइए कि व्यक्ति विपक्ष में है, संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है जी, प्रधानमंत्री जी या लोकसभा के स्पीकर की तरफ से 3 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है विपक्षियों को कि अगर आप लोग भी आ जाइएगा। अरे भाई इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन है और कोई न्योता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पैसे से तो बनवाया नहीं था, देश का पैसा लगा था, आप लोगों को जाना चाहिए था, जिस तरह बीजेपी का हिस्सा है उसमें उतना तो विपक्ष का भी है, सबके लिए कुर्सियां निर्धारित थी। राज्यसभा में जो नेता विपक्ष है, सुनिए ना सर, राज्यसभा में नेता विपक्ष का वहां पर उद्बोधन था, जब नहीं जाएंगे तो नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे बोलने नहीं दिया जाता है, जाकर बोलते वहां पर, बोलते लोकतंत्र के बारे में, बोलते विपक्षी एकता के बारे में, नहीं बोला ना आप लोगों ने, वो मौका खो दिया ना आप लोगों ने। चित्रा जी जब हम बोल रहे हैं कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को वहां बुलाइए, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ। और उसके बाद कहते हैं कि बोल नहीं रहे। जिस प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षियों के लिए कराया जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसा मत करिए, सुन नहीं रहे हैं। हम संसद भवन कहते हैं चलवाइए, आप सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, हम बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। हम विदेशों में जाकर सीबीआई को तोता तो यूपीए के शासनकाल में कहा गया था, इनके शासनकाल में तो कहा नहीं गया है, उसको लेकर तो समय समय पर सवाल खड़े होते रहेंगे। और राष्ट्रपति महोदय को लेकर आप लोगों ने अब जो राग उठाया है, ये राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तब क्या आदिवासी और एक महिला नजर नहीं आ रही थी? पलटकर जनता तो ये भी सवाल पूछेगी ना। चित्रा जी हम पहली पार्टी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया। ठीक है, तो आपने क्यों नहीं कांग्रेस को और एनसीपी को तैयार किया, आपने क्यों नहीं आरजेडी को तैयार किया? आरजेडी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था कि मूर्ति रखने के लिए लेकर जाया जा रहा है उनको, तैयार करते हैं लोगों को, फिर आप लोगों को कहने का हक होता। ठीक है, आरजेडी जेडीयू एनसीपी अलग पार्टी, उनका विलय नहीं हुआ है शिवसेना में। हाँ। वो एक अलग स्वतंत्र विचार की पार्टियां हैं, हम अपनी बात करेंगे, देश के हित में हमेशा हम खड़े रहेंगे। लेकिन समझ में नहीं आता ना, सावरकर के मुद्दे पर आप लोग कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, द्रौपदी मुर्मू के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, फिर जहां पर जो मुद्दे सूट करते हैं वहां पर आप लोग कांग्रेस से बिल्कुल नजदीक खड़े हो जाते हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी एक लाइन को तय करेंगे या नहीं करेंगे? प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों देती है प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी, जब राहुल गांधी आप लोगों के लिए इतने महत्वहीन हैं।
राहुल गांधी ने थोड़ी सी बात क्या कही, यहां पर एक के बाद एक बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आकर हमला शुरू कर देते हैं। चित्रा जी देखिए, चार बार जो है अतुल लोंढे जी बोले हैं, दो बार मृत्युंजय तिवारी जी बोले हैं, एक बार आनंद दुबे बोले हैं। तो आपका जो टीवी चैनल, जो कि स्वतंत्र चैनल है, जिसको गोदी मीडिया बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं, उसमें सात बार विपक्ष बोलता है तो एक बार सत्ता पक्ष बोलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये एवरेज है, तो इसको आप स्वतंत्रता कहेंगी कि संस्थाओं को जो है, संस्थाओं को कल्टीवेट कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपका डिबेट ही ये सिद्ध कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र जीवंत है, स्वतंत्र है, और किसी प्रकार का हस्तक्षेप या लोकतांत्रिक बड़ी मुश्किल हो गई। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बातों से कि आप ये तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं या फिर हमारी तारीफ कर रहे हैं, खैर उस पर नहीं जाते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं, डिबेट पर आते हैं, बोलिए। मैं तो सिर्फ जो स्थिति है वो बता रहा हूँ। अब ये प्रशंसनीय है कि निंदनीय है, ये जनता को मैं तय करने देता हूँ। अब दूसरी बात जो है, श्रीमान राहुल गांधी को लेकर आनंद दुबे जी की पार्टी के बाड़ा साहब ठाकरे से लेकर उद्धव जी ने क्या क्या कहा है। संजय राउत ने अभी 2015 में कहा था कि ये जो पदयात्रा किसानों के बीच कर रहे हैं, अगर इनके इनके कार्यकाल में किसानों के आंसुओं को अगर तौला नापा जाए तो उसमें राहुल गांधी डूब जाएंगे और डूबने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्रीमान संजय राउत ने 2015 में फरवरी महीने में जब राहुल गांधी अपनी किसानों के बीच पदयात्रा निकाल रहे थे तब कहा था। श्रीमान उद्धव ठाकरे ने नपुंसक कहा था कांग्रेस की सरकार को, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को नपुंसक कहने के कारण निर्वाचन आयोग ने उनको नोटिस दी थी। तो ऐसे एक दो नहीं, पचासों उदाहरण बताएंगे। श्रीमान राहुल गांधी अगर भारत को यह जाकर जॉर्ज सोरोस के इशारे पर विपक्षियों के मंच पर खड़े होकर अगर कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा कि लोकतंत्र है। अगर जैसे इन्होंने कैसे झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, अतुल लोंढे ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 5 राज्यों के लोगों पर वीजा बंद कर दिया। पहले 2 यूनिवर्सिटीज ने किया, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नहीं किया। और क्यों वीजा बंद किया है? वीजा बैन इसलिए किया है क्योंकि फ्रॉड वीजा जो है उसका उपयोग हो रहा था, और फ्रॉड वीजा को इंडिया में भी आएगा तो इंडिया भी बैन कर देगा। लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, हर पल एक नया झूठ परोसने का प्रयत्न करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सरकार के खिलाफ नहीं कहा था, उन्होंने रोस्टर के बारे में, जस्टिस दीपक मिश्रा की रोस्टर प्रणाली के खिलाफ 4 जजेस का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और जहां तक बात रही रंगनाथ मिश्रा से, आपने 1984 के दंगों की जांच में क्लीन चिट ली थी, उनको राज्यसभा भेज दिया था। आप कमिटेड जुडिशरी की बात 70s में कर रहे थे। आपने जो है एन रे को जिस तरह से चीफ जस्टिस बनाया था, 4 जजेस को जो है सुपरसीड करके बनाया था। जस्टिस वेंकट चलैया ने कॉलेजियम सिस्टम कांग्रेस के जुडिशरी के कुकृत्यों के कारण ही खिलाया हो, और जस्टिस वेंकट चलैया के 93 के उस जजमेंट को कृपा करके एक बार पढ़ लीजिए अतुल लोंढे जी, कि आप किस तरह से कमिटेड जुडिशरी चला रहे थे। और मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे थे कि इसके बारे में, भाई आपातकाल में श्रीमान लालू प्रसाद यादव जेल गए, जेल में ही बेटी पैदा, इसलिए बेटी का नाम मीसा रखा, और सारे विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया गया था, उससे बड़ा लोकतंत्र का शोक पर्व नहीं हो सकता कि देश के सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बिना किसी अपराध के जेल में डालकर मीसा लगा दिया गया था, उनके परिजनों तक को नहीं छोड़ा गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी से बहुत तानाशाह को, और चिट्ठियां जांचने वाले कि आप जो चिट्ठी भेजेंगे उसको भी जो है सरकार पढ़ेगी, ये जांचने वाले तानाशाह राजीव गांधी थे। 10,000 ब्राह्मणों की हत्या जो महाराष्ट्र में हुई उसका नेतृत्व जो है नेहरू जी कर रहे थे, ये सत्य है ना? ठीक है, बोलिए आनंद दुबे जी। प्रेम भाई हमारे बड़े भाई हैं, जरूर कांग्रेस का उदाहरण दिया कि नहीं, कांग्रेस के नेताओं को बाला साहब ठाकरे जी और शिवसेना कहती थी। अरे भाई, तो ये वही शिवसेना है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी को बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था 2002 में, कि नरेंद्र मोदी जी
हिंदुत्व के बड़े नेता हैं, उनको मौका देना चाहिए, वो हमारे भाई हैं, तो जब हम आपके समर्थन में बोलते हैं वो आपको दिखाई नहीं देता, और जब हम किसी के खिलाफ बोले रहते हैं वो आप पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आप विपक्ष को लोकतंत्र में जिस प्रकार कमजोर करते हैं तो वो दुनिया को दिखना चाहिए, और आपकी कथनी करने में कितना बड़ा अंतर होता है यही तो हम देश को समझाना चाहते हैं कि जब आपको सुविधा होती है आप पीडीपी के साथ चले जाते हैं, जब आपको सुविधा होती है आप शिवसेना और अकाली दल को अपने साथ रखते हैं। आप उनको कमजोर करना चाहते हैं, आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि आपके ऊपर कटाक्ष किया जाए? आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े दल हैं, एक बहुमत की पूर्ण सरकार है, उसके बावजूद ऐसा काम क्यों करते हैं कि कोई भी दल आकर आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है? आपको सोचना चाहिए। आनंद दुबे जी के जो मोह मोह के धागे हैं वो बीजेपी से अभी पूरी तरह से जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, है ना आनंद दुबे जी? देखिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये 28-30 वर्ष एक भाई के समान इन्होंने देश में काम किया है। बहुत सारे हमारा डीएनए एक है, हम कहेंगे वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक है। अब उनकी विचारधारा बदल गई है तो आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर हमारा बड़ा भाई अतुल जी देख लीजिए जिसके साथ आप लोग चुनाव में जा रहे हैं उनका डीएनए बीजेपी से मैच करता है, उनको तो जब जनता आप लोगों के खिलाफ वोट देती है तो उनके बड़े भाई कहते हैं यहां पर बीजेपी की गलती, बहुमत की सरकार हमारे दल को तोड़ दिया, हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम किया, हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किए, तो देश की जनता को आपको ये आईना तो दिखाना होगा। आनंद बाबू हो गए, रख ली आपने बात। आनंद बाबू आईना खुद भी देखने की आवश्यकता है आपको, कृपा करके बताइए ना विचारधारा किसने बची बदली। वीर सावरकर के बारे में मणिशंकर अय्यर ने तल्ख टिप्पणी की थी तो उसके उसको जूते मारने का आंदोलन शिवसेना ने चलाया था और उद्धव जी ने पहला जूता मारा था। आज वीर सावरकर के मामले में राहुल गांधी आए दिन उनको जो है माफी वीर कहते हैं, उनको अंग्रेजों का दलाल कहते हैं, अंग्रेजों का एजेंट कहते हैं, और आप चुपचाप जो है उन्हीं राहुल गांधी के दुख पकड़ कर चलने के लिए मजबूर है। आप तो कुछ दिन पहले इसी आज तक चैनल पे आपने कहा था कि संजय राउत ने समझा दिया है अब राहुल गांधी वीर सावरकर पे नहीं बोलेंगे, उसके बाद चार बार बोल चुके हैं, आप चुप हो गए हैं। नहीं तो साहब जो है हिंदुत्व से आप भागे हैं। राम मंदिर के विरोध में श्रीमान संजय राउत का बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। अभी संजय राउत ने कहा है राहुल गांधी के बयान पर कि राहुल गांधी बड़े अच्छे फॉर्म में है, तेंदुलकर कोहली की तरह खेल रहे हैं, लेकिन संजय राउत को इस्तेमाल किया गया है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन शानदार फॉर्म में है राहुल गांधी। जल्दी से विशाल जी, उसके बाद में बाकी लोगों में आ रही हूं। अतुल जी आपके पास शानदार फॉर्म में हैं और रहे, लेकिन उनसे मुश्किल कर देंगे 2024। लेकिन मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मानवर आप अपनी राजनीति के चलते हुए भारत और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विदेश की धरती पर माखौल न बनने दें, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी कही हुई बातों को जनता सुनती है, तो आप अपनी राजनीति के चक्कर में कि हम किसी तरीके से लाइमलाइट रहे। आप मैंने फिर से कहा आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विरोध हो सकता है, होना भी चाहिए, आपका भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। भारत, भारत के विचार, भारत की संस्कृति, भारतीय परंपरा पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठना चाहिए। वो भी सीबीआई विपक्षी दलों पर लगाएंगे तो वो सवाल भी नहीं पूछे। नहीं चित्रा जी, आप मुझे बताइए कि मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जब भारत लोकतंत्र की जननी है, ऋग्वेदिक काल से सभा समिति गण विधत जैसी संस्थाएं हुआ करती थी, मैं आज बार बार पूछना चाहता हूं कि बार बार यह सवाल क्यों खड़ा किया जाता है विदेश की धरती पर कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, किस आधार पर भारत लोकतंत्र खतरे में? आप बाहर जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं मुझे आप बताइए, आप बताइए मुझे। आप जब भारत की सेना चीन की सेना से लड़ रही होती है तब आप चीन के अधिकारियों के साथ बातें कर रहे होते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए आपका अपनी उत्तरदायित्व कहां, जिम्मेदारी कहां जाती है? सुन लीजिए ना भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे नाम विशाल है, थोड़ा सोच भी विशाल कीजिए। देखिए ऐसा है चित्रा जी, इसीलिए आज ने प्रधानमंत्री जी ने संसद के उद्घाटन के दिन संसद में कहा था कि कर्तव्य में तो लिखवा लीजिए ना, राजनीतिक विश्लेषक के बदले लिखवा लीजिए भाजपा के प्रवक्ता, दोनों रहिएगा संसद में दिए गए भाषण को बोल लेने देते हैं, उनको बोल लेने दीजिए, आपका ज्ञान की जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए, ये डिबेट है, ये भाषण का मंच नहीं है। बोलिए बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए जल्दी से। देखिए चित्रा जी, आज लोकतंत्र और संविधान किस कदर तार तार किया जा रहा है, अब ये मिश्रा जी क्या ज्ञान देंगे इस पर।